Tennis Cricket dot in India's first tennis ball cricket website. मेरा क्रिकेट स्टार्ट हुआ है जब से, तब शायद ओवर्स लिमिट ही नहीं था, स्टार्ट टू फिनिश मैच हुआ करता था। उसके बाद 30 ओवर का मैच शुरू हुआ, उसके बाद 24 ओवर का मैच शुरू हुआ, 22 ओवर आया, 20 ओवर आया, यहाँ तक के 4 ओवर तक गेम आ गया और मैं 4 ओवर तक का गेम खेल चुका हूँ। इसके लिए मैं थैंक्स टू संतोष नाने एंड अमोल मात्रे जो इस प्रोग्राम को इन्होंने यहाँ पर शुरू किया है, बहुत अच्छा लगा। एक गेट टुगेदर के साथ साथ हमारी पुरानी याददाश्त वापस आ गई, ऐसा लग रहा है कि हम लोग फिर से खेल सकते हैं। एसी 11 के साथ में जब हम लोग अगेंस्ट में खेलते थे तो सतीश बॉलिंग डालता था, तो लिटरली ही वॉज अ वेरी गुड बॉलर। हम लोग का 3-4 विकेट वो 2 ओवर के स्पेल में वो ले लेता था उस वक्त। तो हम लोग का कॉलअप्स होने के बाद ऐसा होता था कि थोड़ा सा स्कोर बहुत कम होता था और हम लोग अल्टीमेटली चेस कर लेते थे, तो हम लोग ऐसा 2-4 मैच ऐसा हार गया। तो हम लोग के मतलब मेरे दिमाग में ऐसा आया कि यार ये हम लोग अगर विकेट दे रहे हैं सतीश को, सिर्फ सतीश से ही प्रॉब्लम है, तो क्यों ना हम अपने ऊपर ले लेवे सतीश को। तो चंद्रा से हम लोग ने रिक्वेस्ट किए कि भाई चंद्रा तुम लोग पीछे आ जाओ, हम लोग ओपन जाते, हम लोग सतीश का 2 ओवर खेलते, बाकी का लास्ट 2 ओवर में तुम लोग को जो करना है वो करो। तो ये करते करते हम लोग ओपन में आने लगे, सतीश का ओवर हम लोग फेस करने लगे, क्योंकि हम लोग को विकेट नहीं देना था, हम लोगों का इंटेंशन ये था कि हमको उसको विकेट नहीं देना। तो ऐसा ऐसा करके हम लोग वापस सक्सेस की सीढ़ी पे वापस से आ गए। तो इट मीन्स बोलने का मतलब ये है कि अगर खुद की इच्छा है, खुद को कुछ करने की है, तो ऊपर वाला भी सुनता है। यंग जनरेशन के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, मुझे एक ही मैसेज देना है, कीप योर हेड डाउन एंड डू योर लेवल बेस्ट। लोग आपका नाम लेना चाहिए, आपको अपना नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, बस यही मुझको इतना बोलना है यंग जनरेशन के लिए। जैसे संदीप पवार ने बताया कि मैं लेदर क्रिकेट में इतना बिजी रहता हूँ, मैं टेनिस क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, लेकिन ट्राई करो, आप कोशिश करो, क्योंकि हम लोग भी अजीत पुत्रन और हम लोग भी काफ़ी लेदर खेले। मैं ऑलमोस्ट 15 साल ए डिवीज़न क्रिकेट खेला हूँ लेदर क्रिकेट में, तो उसके अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब मैं टेनिस क्रिकेट भी खेला हूँ, कैसा भी टाइम निकलता था और जाता था। राहुल 11 के लिए मैं जैसा कि बताया लक्की ने कि मैं सबसे नहीं सॉरी अपना मनीष ने कि मैं सबसे पहला ग्राउंड पे आता था, तो वैसा राहुल 11 में ना सबसे पहला ग्राउंड पे मैं आता था। इवन चंद्रा मुझको हमेशा एक राइट टाइम में, चंद्रा को एक ही बात बोलता था कि मुझे राइट टाइम बताना कि क्योंकि मैं टाइम का पंक्चुअल रहता था उस वक्त भी और आज भी, ऐसा नहीं कि मैं टाइम पे जाता हूँ, लेकिन अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए आप हमको देखकर शायद दूसरे लोग भी वही कोशिश करें। और अमोल के लिए तो वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास कुछ बोलने के लिए, रियली उसने जो आज कर दिखाया ना, शायद ही कोई कर दिखाएगा वैसा। इसके आगे अभी मुझको क्या बोलना है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच अमोल, थैंक्स।